Hello everybody, a warm welcome to all of you in my channel Easy English with Iconic Priya. Well, English में ऐसे कुछ words हैं जो बहुत बार repeat होने की वजह से जो meaning है वो बदल जाती है. So today we are going to learn phrases with repeated words with me, Iconic Priya. पहला फ्रेज है चॉप चॉप. हम सब लोग जानते हैं कि चॉप का मतलब है टू कट वेजिटेबल्स. लेकिन अगर आप ये वर्ड दो बार रिपीट करेंगे, मतलब अगर आप कहेंगे चॉप चॉप, तो इसका मतलब बदल जाती है. जी हाँ, चॉप चॉप का मतलब है हरी अप और चॉप का मतलब है टू कट वेजिटेबल्स. तो अगर आपको कोई जल्दी है, आई मीन व्हेन यू आर गेटिंग लेट, सो यू मे यूज चॉप चॉप. नेक्स्ट रिपीटेड फ्रेज है सो सो. वेल, तो सो सो का मतलब क्या है? सपोज आप किसी के साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गए हो, तो मूवी खत्म हो जाने के बाद आपको किसी ने कहा कि यार द मूवी वॉज सो सो, तो फिर सो सो. वेल, तो सो सो का मतलब क्या है? तो वो आपको बताना चाह रहा है कि सो सो का मतलब है जो मूवी था वो ना ही बहुत अच्छा था. द मूवी वॉज नॉट टू गुड और नॉट टू बैड, मतलब द मूवी वॉज मीडियम, मतलब समथिंग इज नॉट वेरी गुड, नाइदर इट इज वेरी बैड. हमारे लाइफ में ऐसे कुछ वक्त आते हैं जब हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं. सपोज आपको किसी ने कहा कि यार कल क्या बारिश हो सकती है, तो आपने कहा पता नहीं हो भी सकता है, तो यू आर 50% श्योर. हमारा यही फ्रेज इस मैटर के साथ रिलेटेड है. इस फ्रेज का नाम है 50-50. सो 50-50 मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तभी आप 50-50 यूज कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन एंड दैट इज ए. तो ए का मतलब क्या है? वेल, ए का मतलब है यस और श्योर. जी हाँ, इट्स अ ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग यस. लास्ट फ्रेज है टट टट. जब आप किसी चीज के खिलाफ हो जाते हैं तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टट टट, दैट्स नॉट अ गुड बिहेवियर. सो हियर यू आर एक्सप्रेसिंग योर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. तो आज के लिए बस इतना ही. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू सून.